राजद के दो विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी जो मोकामा की विधायिका है राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों को सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठाया है, धमकी दिलवाया, क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है। विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान है, यह कहकर के जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए। और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। ये कौन सा ट्रेडिंग है जरा बता तो दे हमें। कोई अंगन प्राप्त करने के लिए शासन का जितना भी दुरुपयोग किया जाए वो जायज है? इसके बारे में कोई अपनी राय स्पष्ट कर सकता है? विधायकों को बस से ले जाकर करके गया में कोई मीटिंग करता है तो वो रसलीला हो गया, और हम अपने विधायकों के साथ बैठ करके अगर हम बात कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, तो ये कैरेक्टर ढीला है? ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र में लोक लज्जा को प्रत्याग करके राजनीतिक शुचिता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।